रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ दही बड़ा, जो रमज़ान स्पेशल है। इसके लिए मैंने ली थी एक कप मूंग की दाल और एक कप माश की दाल। तो उसमें जो मैंने उसको रात को भिगो दिया था, ओवरनाइट सोक किया था उसको, उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर इसमें डाला है अदरक डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं और अब मैं इसको पीसने लगी हूँ। हमें इसको बिल्कुल फाइन पीसना है तो मैं इसको पीस रही हूँ अभी। देखिए हमने पीस लिया है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक 1 टीस्पून, हरी मिर्चें और अदरक मैंने इसमें पहले ही शामिल कर लिया है पीसते हुए। इसको मैं अब बीटर की मदद से इसको बीट करूँगी ताकि इसमें थोड़ी एयर आ जाए। एयर आने के बाद इतने सॉफ्ट बनते हैं दही बड़े, और इसको आपने फौरन भिगोना भी नहीं है पानी के अंदर तलने के फौरन बाद। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं आप इसको, हाथ से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे। इतना बीट करना है कि ये फ्लफी हो जाए। बीट हो चुका है ये, देखें आप कितना फूल गया है ये। इसको बीट कर लेंगे। इसको बीट करने के बाद चेक करने का तरीका ये है कि पानी में डालिए, अगर ये पानी के ऊपर तैर रहा है इसका मतलब है सही बीट हुआ है। ये देखें ये पानी के ऊपर तैर रहा है। अब हम बनाना शुरू करते हैं बड़े अपने। आप इसको चमचे की मदद से भी डाल सकते हैं, मैं हाथ से डाल रही हूँ। किसी भी शेप में डालते हैं वो फ्राई होने के बाद और पानी में भिगोने के बाद तो सही हो जाएगी उसकी। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखनी है चूल्हे की, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अभी तक मैंने इनको बिल्कुल नहीं हाथ लगाया है, इनको पलटा भी नहीं है मैंने इसको अभी तक। इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दें जब तक नीचे कलर आएगा, उसके बाद मैं इसको पलट। मैंने इनको पलट दिया है, हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं ये। मैं इनको निकाल के रख लूँगी, जब सारे फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं इनको पानी में भिगोंगी 5 से 7 मिनट के लिए। और दाल जो हमने बीट करनी है या हैंड विस्क से चलाना है, इसको फेंटना है, तो वो तकरीबन 5 से 7 मिनट ही फेंटनी पड़ेगी आपको। उससे ये फ्लफी होंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे दही बड़े। आप चाहें तो चमचे से भी डाल सकते हैं, चाहे तो हाथ से डाल लीजिए। मैंने ली थी एक कप माश की दाल और एक कप मूंग की दाल। उसको जब मैं पीसने लगी तो उसमें मैंने बिल्कुल आधा कप पानी डाला था, आधे से भी थोड़ा कम पानी इस्तेमाल किया उसके अंदर मैंने। और तकरीबन एक अदरक का टुकड़ा लिया था बड़ा सा, और 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी और नमक। बस ये चीज़ें मैंने डाल के इसको पीसा है। अब हम इसके जो मैं बनाऊँगी वो एक मीठे बनाऊँगी और एक नमकीन। ये देखिए फ्लफी बने हैं बिल्कुल सॉफ्ट। तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ना जालीदार ना सॉफ्ट है। तैयार हो चुके हैं हमारे बड़े। अब मैं इसको देखें आप कितना
सब पीसा है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये। अभी मैं थोड़ी देर के बाद इनको पानी में डालूंगी, 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी ठंडा लिया है और थोड़ा सा मैं गर्म करूंगी, नीम गर्म पानी के अंदर हम इनको भिगोएंगे। आप चाहें तो इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, इसी कंडीशन में आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, और फिर जब आपने इस्तेमाल करने हों तो आप नीम गर्म पानी में डालिए इनको और इस्तेमाल कीजिए। नीम गर्म पानी लिया है मैंने, मैं नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आपने बड़े इसमें भिगो देंगे, पहले मैं मीठा दही बनाऊंगी। इसके लिए मैंने किसी भी चीनी लिए है, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप चाहें तो दही के अंदर पानी की जगह स्प्राइट भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्राइट डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है स्प्राइट। नमक जाएगा, मैं इसमें मीठे दही बड़ों के अंदर 1/2 किलो दही में 1 टीस्पून मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ करूँगी। इसमें उससे एक बहुत अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, मिक्स करेंगे, स्प्राइट डालेंगे तो बस हाफ हाफ कप के करीब स्प्राइट जाएगी इसके अंदर, तो बहुत मज़ेदार इसका एक फ्लेवर हो जाता है। हथेली में प्रेस करके इसको हम, ये देख लीजिए टूटा भी नहीं, और अगर हम बनाते ही इनको पानी में डाल देते तो ये सब टूट जाते। अभी ये बहुत सॉफ्ट स्पंजी से हो रहे हैं, मतलब पानी नीम गरम थोड़ा सा पानी हो जिसमें भिगोने हैं, और अगर फ्रीज़र में रखेंगे आप ये तो पानी थोड़ा सा नीम गरम से ज़्यादा हो, वरना अब जो बर्फ़ अंदर जमी हुई होगी वो नहीं पिघलेगी। दही जो मैंने फेंट के रखा है वो इन पे डालूंगी मैं हथेली की मदद से। अच्छे से प्रेस करिएगा, दही में मैंने पानी यूज नहीं किया है। चाट मसाला मैंने घर में बनाया है, इसकी वीडियो भी इसी के साथ आएगी दही बड़ों के साथ। चटनी डालेंगे थोड़ी सी, मीठी चटनी है इमली की, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, जी व्यूअर्स तो तैयार हैं हम दही बड़े। रमजान में ज़रूर बनाइएगा ये, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के अंदर कैसी लगी आपको। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान। I'm not the one who's running out of time.